एंड हाइड्रोलिक आपको यहाँ पर मिल जाती है, सीट का आप अप डाउन भी इस तरह से कर सकते हो। इसमें आता है ड्यूल जेट इंजन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे फ्रेम में है सिलेरियो 2022। इसमें हमको मिल जाते हैं टोटल चार वेरिएंट। एक आता है अपना एलेक्साई, उसके बाद आता है अपना वीएक्साई, जेडएक्साई एंड जेडएक्साई प्लस। ये जो आप देख रहे हो ये है अपना टॉप एंड वेरिएंट जेडएक्साई प्लस। अब बात करते हैं की से, तो आपको यहाँ पर कीलेस एंट्री इसमें मिल जाते हैं। की कुछ इस तरह की इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको अनलॉक एंड लॉक के लिए फंक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले इसके बारे में। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो अपने पहले की सिलेरियो में नहीं आती थी। एक दो तीन फीचर आपको इसमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं और रेटिंग के बारे में, प्राइसिंग के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रंट से बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो पर आपको एक इस तरह की ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको हेलोजन सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि अपना हेलोजन बल्ब है। उसके नीचे आपको पार्किंग लैंप देखने को मिल जाएगी और अपना साइड इंडिकेटर। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर कुछ इस तरह की इसकी ग्रिल है नीचे से। अब बात करते हैं इसके चौड़ाई एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। इसमें आपको मिल जाती है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी और आपको इसकी चौड़ाई जो है वो मिल जाती है 1655 mm। अब मारुति ये क्लेम करते हैं कि इस गाड़ी में आपको सबसे ज्यादा माइलेज मिलते हैं। अब मैं आपको माइलेज के बारे में बता देता हूँ। मैनुअल में आपको इसमें मिल जाती है 24 से 25 की माइलेज एंड टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको ऑटोमेटिक जो आती है उसमें आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट 626 kmpl की माइलेज। अब ये है टॉप वेरिएंट और इसमें आता है आपको सीएनजी, तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको मिल जाती है 26 kmpl की माइलेज। तो अभी यहाँ पर हम इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं क्योंकि इसमें आता है ड्यूल जेट इंजन जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। और भाई ये तो बहुत भारी है, देखने से पता चल जाता है क्योंकि इससे पहले जो सिलेरियो आती थी उसमें उतना हैवी वेट नहीं होता था, पर इसमें बहुत हैवी वेट है। इसमें आपको मिल जाता है ड्यूल जेट 1000cc का इंजन जिसमें आपको मिल जाती है 66.5 HP पावर एंड 89 Nm का टॉर्क। तो बहुत पावरफुल इंजन है और इसमें आपको थोड़ी बहुत कमी महसूस हो सकती है पावर की क्योंकि इसमें आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है, तो उसको आपको थोड़ा बहुत निगलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे भी इसका पावर ठीक ठाक है पर बहुत लोग कहते हैं कि इसकी पावर थोड़ी बहुत कम है, तो वो हो सकते हैं क्योंकि इसमें आपको माइलेज भी बहुत मिल रही है। मतलब ऑटोमेटिक में आपको सीएनजी में 26 की माइलेज देती है, तो और क्या ही चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इसका साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। बॉडी कलर आपको यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि अपना बोथ साइड है, जो अपना ड्राइवर साइड है और साथ ही साथ को पैसेंजर साइड भी आपको यहाँ पर देखे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अभी टायर्स की। तो यहाँ पर आपको टायर सेक्शन देखने को मिल जाएगा, वो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे अलॉय व्हील्स जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाएंगे और ये 15 inches के अलॉय व्हील्स हैं। और यहाँ पर आपको टायर सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा 175/60R15, तो ये 15 inches के अपने टायर्स हैं। और यहाँ पर आपको टायर देखने को मिल जाएंगे, वो है अपने योकोहामा के टायर्स। और यहाँ पर आपको पीछे भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीछे से, तो यहाँ पर आपको एक रियर वाइपर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिफॉगर भी मिल जाएगा, रियर डिफॉगर। और टेल लाइट आपको कुछ इस तरह की इसके देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी LED ऑफर नहीं की गई है। अपना जो पूरा सेटअप है वो हेलोजन सेटअप है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये जो है यहाँ पर आपको रिवर्स सेंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एंड अपना यहाँ पर। और कुछ इस तरह का है इससे इसका पीछे से लुक। और यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं किया गया है। इसमें बहुत घटिया चीज़ की गई है वो कि वहाँ पर, उसके बारे में बाद में बता देता हूँ। डोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पावर विंडोज का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, पूरा अपना ब्लैक पैनल है डोर का को थाई सपोर्ट के लिए। तो दिखने में ये लेदर सा लगता है पर ये हार्ड प्लास्टिक है। लिक्विड वाटर रखने के लिए जगह दिया गया है। यहाँ पर है अपने स्पीकर्स। अब भाई बैठते हैं इसके अंदर, तो कुछ इस तरह का इसका कैबिन। और यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया कीलेस एंट्री है, तो पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अपने को की रखनी और गाड़ी को एक स्विच से अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंट यहाँ पर मिल जाएंगे दो इस साइड से ही। इस साइड से आपको कोई भी स्टेयरिंग कंट्रोल्स नहीं ऑफर किए गए हैं। और जैसे कि हम स्टीरियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सुजुकी का लोगो आता है और अपना यहाँ पर जैसे कि फ्यूल कम है तो उस वजह से यहाँ पर फ्यूल टैंक फ्यूल वार्निंग आपको मिल जाती है। और कुछ इस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको डिजिटल एनालॉग देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर एंड अपना जो यहाँ पर सीट बेल्ट की वार्निंग, सब कुछ आपको यहाँ पर इस तरह का देखने को मिल जाएगा।
तो फिलहाल गाड़ी को करते हैं ऑफ और बहुत साइलेंट इंजन है इसका। यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, स्टेयरिंग आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा जो कि इग्निस में भी आता है एंड अपना एस्प्रेसो में भी कुछ इस तरह का स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, बीच में अपना सुजुकी का लोगो। इसमें आपको मिल जाते हैं दो एयरबैग, एक अपना आता है यहाँ एयरबैग और दूसरा अपना कोपे चेंजर है। वैगनर या आपके बाकी गाड़ियों में देखा होगा कि यहाँ पर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, पर इसमें ऐसा मामला नहीं है। इसमें सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो है अपना लॉक एंड अनलॉक का सिस्टम है, जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो गाड़ी अपनी लॉक एंड अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर आपको शीशे अप एंड डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको इस तरह यहाँ का शीशा अप डाउन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे ना ये चीज़ उनकी उतनी कन्वीनियंट नहीं लगी, क्योंकि भाई देखो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे हाईवे से या पर सिटी पार्किंग सिटी में आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे तब ये ना उतना कन्वीनियंट नहीं बनता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सभी बंदों का यहाँ पर ही हाथ होता है, तो यहाँ से आप आसानी से विंडोज को ऑपरेट कर सकते हो। मारुति ने कुछ यूनिक करने का ट्राई किया था, पर बहुत बंदों को पता पसंद है वरना थोड़े बहुत बंदों को पसंद नहीं है, मैं उनमें से हूँ, मुझको ये कंट्रोल उतना पसंद नहीं है। तो ये अपना उस साइड का कंट्रोल है और ये है अपना इस साइड का। यहाँ पर आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूएसबी एंड ऑक्स के लिए जगह दी गई है, चाबी रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर आपको बॉटल कप होल्डर के लिए जगह दी गई है। ये है अपना गियर नब जो कि थोड़ा बहुत प्रीमियम लगता है और 4-speed गियर है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हैंड ब्रेक और कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है। वहाँ पर आपको एसी के मैट्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्लो बॉक्स। अब यहाँ पर आपको IRVM देखने को मिल जाएगा जो कि है अपना डे एंड नाइट, वो रहे अपने ORVM जो कि ठीक ठाक है। और जैसे ऑल्टो में ORVM आते हैं, ऑल्टो K10 में कुछ इस तरह के ORVM हैं, पर उसका जो पीछे का लुक है वो चेंज किया गया है और इसमें साइड इंडिकेटर ऐड किए गए हैं। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स एंड हेडलाइट की सभी कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। पर आपको कैबिन लाइट देखने को मिल जाएगी, सेम एट इज ऑल्टो वैगनर में भी कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आपको माइक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये जो स्टीरियो देख रहे हैं ये है 8 inches का स्टीरियो। यहाँ पर आपको सब कुछ टच मिल जाएगा, ऐसा बटन वाला यहाँ पर कोई भी तामझाम नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले भी आपको इसमें मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे कि मैप वगैरह तो वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, अपना जो मोबाइल है उसके साथ, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर म्यूजिक फोन कनेक्ट, यहाँ पर मैंने जैसे बताया था मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये एक आपको यहाँ पर नया सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ये आपको पहले वाले सिलेरियो में नहीं देखने को मिलता था। बेसिकली ये जो फीचर है वो आपको ट्रैफिक में यूज होगा, जैसे कि आप ट्रैफिक में जाते हो उसमें होता क्या है कि जब आप ट्रैफिक में खड़े होते हो 5 सेकंड के लिए आपका पैर एक्सीलेटर से या क्लच से उठा होगा तब ये गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाएगी, इसको आप ऑन करते हो। यहाँ पर आपको ORVMs के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप लेफ्ट का ORVMs कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप राइट का ORVM कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप उसको फोल्ड एंड अनफोल्ड भी कर सकते हो। हेडलाइट की जो लेवलिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बात करें सीट कवर्स की तो कुछ इस तरह के आपको सीट कवर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। बात करें सीट्स की तो आप इसको यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हो एंड हाइड्रोलिक आपको यहाँ पर मिल जाती है, सीट का अप डाउन भी इस तरह से कर सकते हो। तो बहुत फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। बैक साइड की तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के डोर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको और एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वाटर होल्डर भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर अपनी वाटर आप रख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सेसरीज पड़ी है, उस वजह से मैं इसके अंदर बैठकर आपको नहीं दिखा सकता, पर यहाँ से आप मैं दिखा सकता हूँ। इसके पर जो पन्नी चढ़ी है इसके अंदर से दिख रहा है कि इसमें जो जिस कलर के आपको सीट कवर्स आगे मिलते हैं उसी कलर के सीट कवर्स आपको पीछे भी मिल जाएंगे और यहाँ से देखने को पता चल जाता है कि पीछे से गाड़ी में बहुत जगह है, मतलब बंदा आसानी से पीछे बैठ सकता है। बात करते हैं इसके बूट स्पेस एंड पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे देखने को मिल जाएगी। इसका जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब बात करते हैं इसके फ्यूल लीड एंड फ्यूल टैंक के बारे में, तो आपको यहाँ इसका जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको करते हैं पहले ओपन, तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो अपने फ्यूल लीड को और इसमें आपको मिल जाती है 32 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी और कुछ तरह का इसका लुक। रूफ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ओवरऑल लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एंटीना देखने को मिल जाएगा और कुछ तरह का इसका फ्रंट लुक। पर एक ही बात नहीं कि इसका जो फ्रंट लुक है ना वो थोड़ा बहुत अलग दिखता है, जैसे कि इसका जो फ्रंट लुक था पहले वाले सिलेरियो थी उसका थोड़ा बहुत अच्छा था और इसका थोड़ा बहुत अलग सा दिखता है, जैसे कि ऑल्टो की बहन जैसे दिखती है देखने से, क्योंकि थोड़ा बहुत अलग लगता है। मैंने मेरा ओपिनियन बताया, आपका ओपिनियन अब कैसा है वो आप इसके लुक के बारे में कमेंट डाउन कर सकते हो। करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।